कल भाजपा युवा मोर्चा की ओर से फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के विरोध के बाद आज कोतवाली थाना पुलिस ने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनित पारिक सहित 5 जनों के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि शाह को कल यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन करना था, लेकिन उससे पहले ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा कर दिया, जिसके बाद शाह बिना कार्यक्रम में आए वापस लौट गए। अजमेर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के आपत्तिजनक बयान के चलते उन्हें लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन नहीं करने दिया, उन्हें बेरंग ही लौटना पड़ा। इसी क्रम में पुलिस द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनित कुमार सहित 5 जनों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें एडीएम के समक्ष पेश किया गया। विनित कुमार सहित सभी कार्यकर्ताओं पर नसीरुद्दीन शाह के पोस्टर फाड़ने, पुतला जलाने व मानहानि का आरोप लगाया है, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में एक बयान दिया था कि भारत में एक पुलिस वाले की हत्या से ज्यादा गाय की मौत को महत्व दिया जाता है, जिसका देश भर में विरोध हुआ था। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें।